हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि सामान्य वर्तमान काल, है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या शर्त है, क्या पहचान है? दोस्तों इसमें क्या पहचान होती है, जैसे कि वाक्य के अंत में क्या होता है, रहा है ना, रही है, रहे हैं, ऐसे वाक्य, कोई भी वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, तो ऐसे वाक्य को अपन क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे और इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इज, आर और एम, ये तीनों इसकी सहायक क्रिया है, इज, आर, एम, ये इसकी सहायक क्रिया होती है। और क्या फार्मूला लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट है ना, इज, या तो इज लगेगा या आर लगेगा या एम लगेगा, है ना, प्लस वर्ब लगेगा और फर्स्ट फॉर्म लगेगा प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इतना सूत्र इसमें लगेगा। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट यानी कर्ता, कोई काम करने वाला, इज या आर या एम, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा क्योंकि काम जारी है, यानी वो चल रहा है ना। जैसे अब वाक्य पे अपन आ जाते हैं, देखिए बिना किसी देरी के वाक्य पे आ जाते हैं, राम जा रहा है, राम जा रहा है, तो देखो इसमें क्या होगा, देखो यहां से राम, राम एक वचन, इसलिए क्या लगेगा, इज, राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, राम जा रहा है। ठीक है, अब फिर अगला वाक्य, राम स्कूल जा रहा है, तो राम कहां, मैं स्कूल जा रहा हूं, कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूं, तो मैं मतलब आई, मैं के लिए क्या लगेगा, आई, अब आई के साथ में आई एम गोइंग, जी ओ आई एन जी, गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। अगर नेगेटिव बनाना है कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो आई एम नॉट, देखो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है इसी वाक्य को, तो क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, तो देखो ये एम पहले आ जाएगा, इसका क्या होगा, एम पहले आ जाएगा, एम आई गोइंग टू स्कूल और पीछे क्वेश्चन मार्क, एम आई गोइंग टू स्कूल और पीछे क्वेश्चन मार्क, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं। तो तीनों तरह के वाक्य अपन इस वीडियो में सीख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, वह बाजार जा रहा है। अब इसके कुछ मैं आपको नियम बता देता हूं, देखो पहले नियम सीख लो, देखो ही शी इट और नेम, नेम मतलब जैसे राम है ना, इन सब के क्या लगेगा, इज लगेगा, ये ध्यान रखना, ही के साथ में इज, शी के साथ में इज, इट के साथ में इज, और किसी का नाम लिखते हैं तो उसके साथ में भी इज लगेगा, बस ये नियम ध्यान रखना है। फिर आर कहाँ लगेगा, बहुवचन में, जैसे कि वासनी, वी, यू, दे और बहुवचन, इन सब के साथ क्या लगेगा, आर, ये ध्यान रखना, और केवल आई के साथ में एम लगेगा, बस इतना ध्यान रखना है। ये नियम अपन याद रखे तो अपन पूरे डिटेल में इसको हल कर पाएंगे, नहीं तो मालूम पड़ेगा किसके साथ में एम लगाए, किसके साथ में आर लगाए। आई के साथ में हमेशा एम लगेगा, वी के साथ में आर लगेगा, यू और दे और बहुवचन, जो भी बहुवचन शब्द है उस शब्द में क्या लगेगा, आर लगेगा, और एक वचन शब्द जैसे ही शी इट नेम, इनके साथ में इज लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे देखो, प्रयोग करते हैं, वह बाजार जा रही है, अब कौन जा रही है, लड़की या कोई महिला, तो महिला के लिए क्या आएगा, शी, देखो तो शी कैसे लिखेंगे अपन, शी के साथ में इज, शी इज गोइंग टू, अब कहां जा रही है, बाजार, तो मार्केट,
वो बाजार जा रही है, शी इज गोइंग टू मार्केट. अगर नेगेटिव बनाना है कि बाजार नहीं जा रही है, तो शी, देखो शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट, बाजार नहीं जा रही है. अगर इंट्रोगेटिव बनाना है कि क्या वो बाजार जा रही है ना, तो इज पहले आ जाएगा, ये इज इसका पहले आ जाएगा. क्या वो बाजार जा रही है, तो इज शी गोइंग टू मार्केट, क्या वो बाजार जा रही है. आज हम वीडियो पूरे एक एक तरह के अलग अलग सब अलग अलग तरह के वाक्यों को सीखेंगे. ठीक दोस्तों, ये आपका अफर्मेटिव वाक्य हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये इंटरोगेटिव हो गया. अगला देखिए, तुम फुटबॉल खेल रहे हो, तुम के साथ में यू, तुम के लिए क्या होगा यू, तो यू के साथ में क्या लगे आर. देखो यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, है ना. अगर नेगेटिव बनाना है तो यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल. नेगेटिव कैसे बनाएंगे, यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, है ना. देखो यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल नहीं खेल रहे हो. अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो इस आर को पहले लिख दो, आर को पहले लिख दो, आर यू प्लेइंग फुटबॉल. और क्वेश्चन मार्क पीछे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव में, है ना. ठीक है, इस तरह से वाक्यों को बना सकते हैं. हम बाजार जा रहे हैं, हम के लिए क्या है, बहुवचन है ना, तो वी, हम के लिए कौन सा शब्द आएगा दोस्तों, वी आर गोइंग टू मार्केट. कौन से भी वाक्य हो, मार्केट आओ, भोपाल आओ, दिल्ली आओ, कलकत्ता आओ, तो अपन यहां से बना सकते हैं. इसी तरह नेगेटिव में वी आर नॉट, ठीक है, इस तरह से वाक्य को बना सकते हैं आराम से, वी आर नॉट गोइंग टू भोपाल जैसे. अब बहुवचन में देख लो, एक शब्द बहुवचन देख लो, है ना. बहुवचन का देखो, बॉयस यानी कि लड़के किताब पढ़ रहे हैं, लड़के किताब पढ़ रहे हैं, लड़के किताब पढ़ रहे हैं, तो बॉयस आर रीडिंग बुक. लड़के किताब पढ़ रहे हैं, तो बॉयज आर रीडिंग बुक, लड़के किताब पढ़ रहे हैं. और लड़के किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो बॉयज आर नॉट, है ना, आर नॉट रीडिंग बुक. अगर क्या लड़के किताब पढ़ रहे हैं, तो आर बॉयज रीडिंग बुक, ऐसे आ जाएगा, है ना. अगला, वर्षा हो रही है, तो इट इज रेनिंग. देखो वर्षा हो रही है, तो देखो इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है. इट इज नॉट रेनिंग, वर्षा नहीं हो रही है. इस तरह से वाक्य को बड़े आसानी से अपन बना सकते हैं. तो दोस्तों, आज आपने सीख लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या होता है, किस तरह सेंटेंस बनाते हैं, है ना. जैसे कि वह खिलौने बना रही है, कौन सा वाक्य देखो, वह खिलौने बना रही है, तो वह के लिए क्या आएगा, शी चीज. अब खिलौने बनाने को बोलते हैं मेकिंग, एम ए के आई एन जी, एम ए के ई हटेगा तो आई एन जी लग जाएगा. ही शी इज मेकिंग खिलौने को बोलते हैं टॉयस, सॉरी टी ओ वाई एस टॉयस, वो खिलौने बना रही है, शी इज मेकिंग टॉयस, है ना. जैसे कि अगला, वह गाना गा रही है ना, जैसे कि राम गाना गा रहा है, कौन गा रहा है गाना, राम गाना गा रहा
है, राम गाना गा रहा है। तो देखो राम इज सिंगिंग, सिंग और आईएनजी, सिंगिंग सॉन्ग, एस ओ एन जी, राम गाना गा रहा है, राम इज सिंगिंग सॉन्ग। क्या राम गाना, राम गाना नहीं गा रहा है तो राम इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, और क्या राम गाना गा रहा है तो इज राम सिंगिंग सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।